बेटा आखिरकार तुम 18 साल की हो गई, क्या तुम तैयार हो? हाँ मम्मी मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, फाइनली आज मैं एक परी बन जाऊंगी। परी नहीं, एक बुरी परी, हम सबकी तरह। लेकिन मम्मी मुझे आप लोगों की जैसी एक बुरी परी नहीं बनना है। तुम पागल हो गई हो क्या, कैसी बातें कर रही हो? मैं, मेरी माँ और उनकी माँ सब एक बुरी परी थी, तुम भी एक बुरी परी बनोगी और अच्छी परी के ऊपर राज करोगी, समझी? हाँ। तो बेटा क्या तुम तैयार हो? हाँ। 3, 2, 1। ये क्या हो रहा है, मैं एक अच्छी परी कैसे बन गई? आखिरकार आज मेरी बेटी एक बुरी परी बनी गई। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो बुरी परी। अच्छा सुनो बेटा, तुम जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। ये सब कैसे हुआ, मैं एक अच्छी परी कैसे बन गई? अरे बेटा तुम आ गई, तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। थैंक यू मम्मी। रानी रानी हमारी बात सुनिए, हमारी कुछ बुरी परियां अच्छी परियों के पास उनका सामान लूटने के लिए गई थी, लेकिन अच्छी परियों ने उन्हें मार के बंदी बना के रखा और उन्हें छोड़ नहीं रही हैं। अरे आजकल ये अच्छी परियां कुछ ज्यादा नहीं उड़ रही है, कुछ करना पड़ेगा। बेटा आज तुम जाओ, वैसे भी आज तुम्हारा पहला दिन है, जाकर उनको सबक सिखाओ। लेकिन मम्मी तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। ठीक है मैं जा रही। कल की और आखिर तुम भी इसके साथ जाओ। अरे ये तो बुरी परी की रानी की बेटी है ना। हां तुमने सही बोला, हां वही है। देखिए मैं यहां पे आप लोगों को नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूं, लेकिन हमारे जिन भी बुरी परियों को आपने बंदी बना के रखा है उनको प्लीज आप छोड़ दीजिए। अरे ये क्या बोल रही है, पहली बार ऐसा हो कोई बुरी परी ऐसी बात कर रही है। हमें भी कोई शौक नहीं है लड़ने का, लेकिन जो भी नुकसान हुआ उसकी तुम्हें भरपाई करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है। एक मिनट, कल्कि और राखी यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में आप लोग मेरी माँ को कुछ भी नहीं बताओगे? हाँ जरूर, हम समझ गए राजकुमारी जी। ठीक है चलो चलते हैं, काफी देर हो गई है। जी चलिए। अरे वाह बेटा तुम तो बहुत जल्दी आ गई इनको छुड़वा के। जी मम्मी। अच्छा सुनो, कल से एक लड़का आएगा तुम्हें मैजिक सिखाने के लिए, जो कि तुम्हारी आगे की जिंदगी में बहुत काम आने वाला है। ठीक है मैं अपने कमरे में जा रही हूँ अभी सोने। तुमने देखा आज राजकुमारी कैसे अच्छी परियों से इतनी प्यार से बात कर रही थी, और हमसे क्या कह रही थी कि रानी को मत बताना। हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आया कि वो अच्छी परियों से ऐसे क्यों बर्ताव कर रही थी। कल की और राखी मैंने तुम लोगों से क्या बोला था कि इसके बारे में कोई भी अब बात नहीं करेगा, तुम लोग अपने काम से मतलब रखो, समझी? अब जाओ यहाँ से। राजकुमारी हमें माफ कर दीजिएगा, चलो यहाँ से। अगले दिन, राजकुमारी मेरा नाम सम्राट है, आज के बाद से मैं आपको मैजिक सिखाऊंगा। खैर आज आपका पहला दिन है तो आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी मैजिक सीखने में। ठीक है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है चलिए शुरू करते हैं। हो जाएगा, आप एक बार और कोशिश करिए, थोड़ा और ध्यान लगाइए। नहीं आप गलत कर रही हैं। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा। वैसे ये जो हम मैजिक सीख रहे हैं उसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी के ऊपर हमला करना होता है। वैसे मैंने आज तक जितने लोगों को भी ये मैजिक सिखाया उनमें से वो लोग जल्दी सीखते हैं जो बहुत ही जल्दी गुस्सा करते हैं, लेकिन आपको देख के लगता नहीं है कि आप गुस्सा करती हैं। अपनी बकवास बंद करो, हम फिर से कोशिश करेंगे। नहीं आज के लिए इतना काफी, हम कल फिर से शुरू करेंगे। चलिए मैं कल मिलता हूँ। बेटा आज का दिन कैसा रहा, तुम्हें मैजिक सीखने में मजा आया? ठीक ही था मम्मी। वैसे आज मैंने कुछ सोचा, आज तुम अच्छी परियों के पास जाओगी, उनका सामान लूटोगी और उनपे हमला करोगी। लेकिन मम्मी मैं अभी ये सब नहीं करना चाहती हूँ, मैं थक गई हूँ। तुमने सुना नहीं मैंने क्या बोला, अब तुम अपनी माँ की भी बात नहीं मानोगी? ठीक है मैं जा रही हूँ। ये हुई ना बात, कल्कि और आखिर तुम भी राजकुमारी के साथ जाओ। नहीं मम्मी इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही ठीक हूँ। अच्छा अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अपना ख्याल रखना, और हाँ जिस काम के लिए जा रही हूँ वो ढंग से करके आना। अरे देखो ये तो बुरी परी रानी की बेटी है ना, ये यहाँ पे क्या करने आई है? देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ, बस आप लोग अपना सामान दे दीजिए, उसके बदले मैं आप लोगों को पैसे दे दूंगी। ठीक है जैसा तुम बोलो, लेकिन तुम तो बुरी परी की बेटी हो ना, तो तुम हमसे इतना अच्छे से क्यों पेश आ रही हो? कहीं ये तुम लोग की नई चाल तो नहीं है? बस ऐसे ही मुझे आप लोगों को परेशान करना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा पहली बार सुनने को मिल रहा कोई बुरी परी हमसे ऐसा बोल रही है। अरे तुम आ गई तो बताओ कैसा रहा, तुमने अच्छी परियों का सामान लूटा, उनको सबक सिखाया? हाँ मम्मी तुमने मुझे पागल समझ के रखा है क्या, मुझे सब पता चल गया कि तुम अच्छी परियों के साथ कैसा बर्ताव करती हो। लेकिन मम्मी आपको ये कैसे पता चला? रानी को हम दोनों ने बताया। कल्कि और राखी इन दोनों ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम अच्छी परियों के साथ कैसा बर्ताव करती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझसे झूठ बोले की? मैं तुम्हें अपनी नजरों के सामने देखना भी नहीं चाहती हूँ। सेनापति जल्दी से इसे पकड़ो और जेल में डाल दो। लेकिन मम्मी छोड़ो मुझे, मुझसे झूठ बोलने की यही तुम्हारी सजा है। मम्मी मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? तुम मेरी बेटी नहीं हो, समझी तुम? हाँ क्या, अच्छे से पकड़ो इसे और ले चलो यहाँ से। छोड़ो मम्मी मुझे यहाँ से निकालो, खोलो। लेकिन मम्मी ने ऐसा क्यों बोला कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ? राजकुमारी मैं हूँ, आंखें खोलिए इधर। हाँ सम्राट तुम यहाँ भी क्या कर रहे हो? राजकुमारी धीरे बोलिए, ये बात करने का समय नहीं है, मैं यहाँ से आपको निकालने आया हूँ। हाँ मैं जल्दी से ताला तोड़ता हूँ, खुल गया, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, जल्दी करिए। राजकुमारी ये लीजिए, इसको ओढ़ लीजिए, काफी ज्यादा ठंड है।
लेकिन तुमने मेरी जान क्यों बचाई? क्योंकि कुछ सच है जिसको आपको जाना जरूरी है। जब आप पैदा हुई थी तो बुरी परी ने आपकी माँ को मार दिया था और आपको वहाँ से ले गई। सबको ये लगा कि डिलीवरी के टाइम आपकी माँ और आप दोनों मर गई, लेकिन सच तो ये है कि बुरी परी ने आपकी माँ को मारा है। जब से आप पैदा हुई तब से आप बुरी परी के पास थी, इसीलिए आपको लगा कि वो आपकी असली माँ है। लेकिन बुरी परी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपकी माँ अच्छी परियों की रानी थी और वो और बुरी परी काफी सालों से एक दूसरे की दुश्मन थी। बुरी परी कभी माँ नहीं बन सकती थी और उसे जब ये पता चला कि आपकी माँ माँ बनने वाली है तो उसने जलन के मारे आपकी माँ को मार डाला और आज तक वो अच्छी परियों को परेशान करती है। वो हमेशा से अच्छी परियों को मार के सिर्फ बुरी परियों के साथ इस दुनिया पे राज करना चाहती है। इसीलिए मैं एक बुरी परी के बजाय एक अच्छी परी बनी क्योंकि मेरी माँ भी अच्छी परी थी। हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला। लेकिन तुम्हें मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता चला? वो मेरी माँ ने बताया। जब आपकी मम्मी अच्छी परियों की रानी थी तब उनके महल में मेरी मम्मी काम वाली का काम करती थी। जिस दिन आप पैदा होने वाली थी उसी दिन मेरी माँ उसी कमरे के बाहर सफाई कर रही थी। जब बुरी परी ने ये सारी हरकतें की तो मेरी माँ ने सब कुछ देख लिया था, लेकिन वो किसी को बता नहीं पाई क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो देखो वो रहे दोनों, जल्दी से पकड़ो इन्हें, भाग ना पाए। अरे ये तो यहाँ पे भी आ गए। राजकुमारी आप जल्दी से यहाँ से भागिए, मैं इनको देखता हूँ। लेकिन राजकुमारी प्लीज मेरी बात मानिए और भागिए यहाँ से जल्दी। राजकुमारी मैं आ गया, आप ठीक तो हैं? हाँ, और तुम ठीक तो हो? हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, वो मेरे सामने थोड़ी ना टिक पाएंगे। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि बुरी परी ने मेरी माँ को भी नहीं छोड़ा। कुछ साल पहले अपने साथियों के साथ बुरी परी ने मेरे घर पे हमला किया था कुछ सामान लूटने के लिए, और जब मेरी माँ ने उसको रोकने की कोशिश की तो उसने मेरी माँ को भी मार दिया। मैं तो बच गया क्योंकि मैं दूसरे गाँव अपने दादी के पास था। मुझे मेरी माँ के बारे में आस पास के लोगों से पता चला। तब से लेके कुछ महीने पहले तक मैं अपने दादी के पास ही था, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ अपना बदला लेने के लिए। और वो सब मैजिक सिखाना सब कुछ प्लान था, मुझे बस आपके तक पहुँचना था। तुमने हम दोनों के लिए कितना कुछ किया, यहाँ तक कि अपनी जान भी जोखिम में डाल दी। अब मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर अपनी माँ का बदला लूंगी और मैं उस बुरी परी को छोड़ूंगी नहीं। लेकिन राजकुमारी अगर आपको कुछ हो गया? चुप रहो, तुम्हें एक राजकुमारी की बात माननी पड़ेगी। ठीक है। हाँ, क्या तुम मुझे वो फिर से मैजिक सिखाओगे? हाँ क्यों नहीं, अब तो आप वो मैजिक बड़े आराम से सीख लेंगी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगा।